हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की मिक्स वेज कचौरी। सूजी के साथ बनाएंगे, साथ में बीट रूट भी डालेंगे। बहुत ही हेल्दी कचौरी बनके रेडी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 कप पानी डाला है। जितनी सूजी लेनी है उससे डबल पानी हमने डालना है। पानी को अब बॉयल आने देंगे। बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे। कॉर्न डाल देंगे, थोड़े से मटर डाल देंगे। वेज अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी डाल सकते हो वेज। मैंने इसमें गाजर डाली है, 1 हरी मिर्च काट के डाली है, प्याज डाला है थोड़ा सा, और हरी शिमला मिर्च डाली है। इस समय हम गैस का फ्लेम थोड़ा ऑफ रखेंगे। स्पाइसेस डाल देंगे, नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, किचन किंग मसाला डाला है, गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, और साथ में मैंने ये बॉईल किए हुए आलू है, इसको कद्दूकस कर लिया था, ये भी डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी कढ़ाई मेरे को छोटी लग रही है, तो हम इसको थोड़ा कढ़ाई को चेंज कर लेते हैं। बड़ी कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लेंगे ताकि जो सारा सामान है अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, मैंने इसको बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ मैंने बीट रूट का पाउडर डाला है। अगर आपके पास फ्रेश बीट रूट है तो आप कद्दूकस करके उसको डाल सकते हो। तो मेरे पास इसका पाउडर बना के रखा हुआ था मैंने बीट रूट का, तो वो डाला है मैंने। बहुत ही हेल्दी कचौरी बन के रेडी होगी ये। अब हम इसमें अदरक और लहसुन मैंने बारीक कटा हुआ वो डाल रहे हैं। इसका अदरक लहसुन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस कचौरी में। साथ में चाट मसाला डाल रहे हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे, इससे हमारी जो कचौड़ी है बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होगी। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये डो की शेप में आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमारा जो डो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मैश करते हुए, हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे, अच्छे से मैश करते हुए इसका एक डो रेडी कर लेंगे, स्मूथ डो बना लेंगे इसका। अगर आप चाहो तो इससे आप टिक्की भी रेडी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कचौरी की शेप भी दे सकते हो। दोनों तरह से बन के रेडी हो जाती है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ग्रीस कर लेंगे अपने हाथों को। ये देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आप टिक्की की शेप देके देखते हैं हम। ये देखिए, इसकी टिक्की भी बहुत ही टेस्टी बनती है और बनानी भी बहुत ही इजी है। ये देखिए, एक टिक्की बन गई है। इसके बाद हम एक कचौरी की शेप देते हैं। ऑलरेडी जो वेजीज हैं वो इसमें स्टफ हैं, तो हमें इसकी स्टफिंग की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टफ्ड है सब कुछ। तो इसको कचौरी की शेप दे लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने कचौरी की शेप दे ली है। हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये कचौरी की शेप लगे। ये एक टिक्की बन गई है, एक कचौरी। आपका जो दिल करे वो आप बना सकते हो। ऐसे ही हम बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने कचौरी बना के रेडी कर ली है। इधर हमारा ऑयल है जो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और एकदम से हमने कचौरी को नहीं हिलाना, थोड़ी देर वेट करनी है। नीचे से जब पक जाए तब हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे।
अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। देखिए नीचे से ब्राउन होनी शुरू हो चुकी है। एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी कचौरी है, आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। इस कचौरी को आप फ्राइड करके इसका एक सैंडविच बना सकते हो, ब्रेड के बीच में सॉसेस लगा के आप इस कचौरी को उसमें रखें और प्रेस करके अच्छे से गर्म करें, तो हमारा सैंडविच भी रेडी हो जाता है इससे। तो देखिए हमारी जो कचौरी है बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुई है। इसका कलर देखिए, जो मैंने बीट रूट का पाउडर डाला है ना, उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया कलर आया इसमें। बहुत ही हेल्दी कचौरी बन के रेडी हुई है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।